क्योंकि हमें ये भी मालूम करना है कि उनको कैसा लगा यहाँ पे पिकनिक स्पॉट पे, यहाँ पे रिक्रिएशन एक्टिविटी जो उन्होंने की, इन्होंने बहुत ही अच्छे से इंजॉय किया यहाँ पे पहलगाम में। अब यहाँ पे ये आए थे न्यू मिनी जू में, और यहाँ पे इनको आके और पूरा पहलगाम एक्सप्लोर करके इनको कैसा महसूस हुआ, तो उसके बारे में हमें कुछ स्टूडेंट, जैसे पहले जो स्टूडेंट है वो उनका नाम इमादुद्दीन है, और दूसरे जो उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं फरहान, तो ये हमें बताएंगे इनको कैसा लगा। पहले तो हम सलाम करना चाहेंगे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम स्कूल के साथ पिकनिक आए थे पहलगाम, हमें बहुत अच्छा लगा इधर आते हुए। ठीक है, और आप हमें ये भी बताएं कि आपने चीज जगह को बहुत एक्सप्लोर किया। यस सर। तो आपको कैसा लगा, मतलब आपने एंजॉय तो किया ही होगा। यस सर। आपने कोई नई चीज जो आपको सीखने को मिली वो क्या मिली, और आपने कौन सी नई चीज देखी? Zoo, zoo. Zoo. हमने देखा। India zoo, there are so many animals. Yes, yes, sir. जहाँ पे भी आप पहलगाम में गए, yes, sir. वहाँ पे आपने ये जो आज नया नज़ारा देखा, यहाँ पे पानी देखा बाकी चीज, और नए लोगों को मतलब देखने का उनका मौका मिला, तो आपको क्या लग रहा है अल्लाह ताला कायनात है, इसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए? बराबर, हमें इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। क्या हमें इससे हमें अल्लाह की कुदरत पता चलती है कि अल्लाह कितना बड़ा है, वो क्या क्या कर सकते हैं। मतलब हमें इन प्लेसेस पे जाके अल्लाह ताला की बड़ाई को करना है। क्योंकि ये चाहे ये जानवर हो जिनको अभी हमने देखा, चाहे वो डियर हो, चाहे वो भालू, चाहे वो टाइगर लीपर्ड, मगर उसको बनाने वाली एक ही जात अल्लाह अल्लाह है, हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ कहना चाहें सर। सर, इस दिन आज हमें बहुत मज़ा लगा, बहुत अच्छा लगा। हर दिन मदरसे में पढ़ते हैं और आज इधर आए तो बहुत मज़ा लगा, बहुत दिनों के बाद आए, बहुत अच्छा लगा। यस सर। आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको इसको बंद नहीं करना, माइक बंद हो जाएगी, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में और एक आम बच्चे की लाइफ में जो आम नॉर्मल स्कूल में पढ़ता है क्या फर्क है? जो नॉर्मल स्कूल का बच्चा होता है वो एक ही तालीम हासिल करता है, मगर जहाँ हम पढ़ते हैं उधर हम पढ़ते हैं दीनी तालीम भी, जैसे कि इसको पांच पारे ही पढ़ते हैं। आपको बेटा, आप भी नाजरा पढ़ते हो? इसलिए चार पारे। आपको भी चार पारे हैं? मुझे दो पारे। ठीक है, माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आपका सुबह से लेकर शाम तक रूटीन कौन मैंने मुझे बताएगा आपने से? ठीक है इमाद, आप बताएं सुबह से लेकर शाम तक रूटीन क्या रहता है? पहले तो हम सुबह नमाज फजर की नमाज पढ़ते हैं, फिर तो हम 7 बजे तक सोते हैं, फिर जो मगरिब के बाद सबक याद किया होता है कुरान का वो सुनाते हैं, फिर 8 बजे के बाद पारा सुनाते हैं, फिर हम चाय वाय पीते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। कितने बजे स्कूल जाते हो? 10:30 से। 10:30 से कितने बजे तक आपको? 3 बजे तक। 3 बजे। उसके बाद आपको कितने बजे घर जाकर फिर स्टार्ट हो जाता है? 3 बजे से 5 बराबर असर की नमाज तक। उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद हम चाय पीते हैं और ग्राउंड खेलने जाते हैं। जब आप ग्राउंड खेलने चले जाते हैं फिर हम नमाज पढ़ते हैं मगरिब की, फिर दर्ज में जाते हैं, करते हैं याद कुरान। याद करते हैं क्या रहता है आपका? उसके बाद यही नमाज पढ़ के हम यही कुरान करते हैं याद, फिर ईशा की नमाज पढ़ते हैं, ईशा की नमाज पढ़ के यासीन शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद हम खाना खाते हैं, उसके बाद फिर से दर्जे में जाते हैं 11 बजे तक। वो इसका मतलब आपका जो डे रूटीन है वो एक नॉर्मल चाइल्ड से, नॉर्मल बच्चे से बहुत हेक्टिक है। यस सर, यस सर। तो अल्लाह ताला आपको आपकी दीन और दुनिया अच्छी करे और रोजे जजा में जजाए खैर दे। आमीन। आपकी दुनिया और आखिरत। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर करना।